राजधानी दिल्ली के लोगों में गुस्सा किस हद तक भरा हुआ है कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तुगलकाबाद इलाके में परोश में रहने वाले दो पक्षों में पार्किंग को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। आरोप है कि रात करीब 9 बजे के आसपास ओम प्रकाश अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी पड़ोस में रहने वाले गणेशानंद अपनी गाड़ी को लेकर आए और गाड़ी पार्किंग में लगाने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। ओम प्रकाश का आरोप है कि गणेशानंद और उसके परिवार के करीब 8-10 लोगों ने उनके परिवार पर लाठी और लोहे की रॉड्स के साथ हमला बोल दिया। इस दौरान लोगों की आंखों में मिर्ची पाउडर भी डाल दिया गया। मारपीट का ये पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। ये भाई साहब, ये पिछले कई सालों से झगड़ा चल रहा है इस गली के अंदर। पहाड़ी की तरफ अपने आप को स्वामी गणेशानंद कहलवाने वाला व्यक्ति है, भगवा कपड़े पहनता है। उसका 35 गज का एक मकान है, उस पर 3 फर्जी आश्रम बनाए हुए हैं कागजों में ही। आप पीछे पार्क देख रहे होंगे, इस पार्क पे कीमत 2000 करोड़ रुपए है। इस पार्क पे कब्जा कर लिया था, गाड़ियाँ थी और आपका निजी ये 20x20 का कमरा अनऑफिशियल जो है बनाया गया। हम पूरे मोहल्ले के लोगों ने मुहिम उठाई इसको कब्जे को मुक्त कराने के लिए। कब्जा मुक्त हो गया, उसके बाद इन्होंने कुत्तों की एनजीओ बनाई हुई है, गली के लोगों को आवारा कुत्तों का द्वारा काटे जाना। उसके बाद सर जो है ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं बीच में डिफरेंट डिफरेंट करके, इसलिए कहता है कि मेरे सीनियर IPS जो हैं मेरे चेले हैं, परवी राजीव रंजन क्राइम ब्रांच उनको योगा सिखाता है ये और उनकी आड़ में उनसे फ़ोन करवाता है। मुझ पर एक फर्जी FIR भी दर्ज करा दी। किस बात को लेकर के? हाँ, रात को मैं अपनी मदर के साथ बैठा था, मेरी गाड़ियों को ये वहाँ पे खींचने लगा, तोड़ने लगा। मैं वहाँ पे आके कहने लगा कि भाई मेरी ये गाड़ियों को मत खींचा खांची करो, जब इतनी यहाँ पे जगह बनी हुई है। इन्होंने अचानक मेरे पे हमला कर दिया, उसके बाद ये पुलिस के हवलदार आ गए। फिर मैं अपने घर में जाके दुकान पे बैठ गया। मैं अपनी मदर के साथ, वाइफ के साथ, भाई के पति थे, चाकू लेके लोहे की रोड लेकर के हमला कर दिया। मेरी माँ के हाथ में चाकू मार दिए मेरी आंखों के सामने और लोहे की रोड से मेरी माँ का दांत तोड़ दिया, मेरी आंखों में मिर्च कर दी, मेरे भाई के गले से 30,000 रुपये लूट करके ले गए और मेरी वाइफ के कपड़े फाड़ दिए इन लोगों ने। इस तरह का घिनौना पूरा जो है तांडव इन्होंने किया है। जो है सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ, सीसीटीवी में मेरे घर के पूरे सीसीटीवी में पूरा रिकॉर्ड हुआ है, पूरा एपिसोड। इसका एक जो एक लड़का है वो ड्रग एडिक्ट है, पूरा पूरे मोहल्ले को पता है, पूरा मोहल्ला परेशान है इस आदमी से। जो है रोज़ ड्रामेबाजी, रोज़ तरह तरह के नए जो है ये करना। जो है दुकान पे बैठे अपनी पे और आके मेरे बच्चों पे हमला करने लग गया एकदम, और हमारे को खींच के और नीचे गिरा लिया और लूटपाट कर दी, मेरी चैन और कान का ले गया मेरा, और जब करे तो मेरे चक्कू मार दिए। चक्कू का मारा? ये अच्छा, फिर आप ये दांत में वो सरिया मारी मेरी। अच्छा, आप बता रही थी कि पुलिस कर्मी भी बीच बचाव में आए लेकिन वो बचा नहीं पाए आप? एक ही पुलिस वाले बेचारे को बचाया उन्होंने। अच्छा, अगर वो न बचाते तो हमारे क्या हाल होता? क्या हुआ? सीसीटीवी कैमरे में क्या दिखाई दे रहा है, किस तरीके से मार रहे हैं वो? आप देख सकते हो भैया। पार्किंग को लेकर राजधानी दिल्ली में ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद दिल्ली वालों की सहनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लोग छोटी छोटी बातों पर किस कदर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत लेकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली से अपने सहयोगी संजीव सिंह के साथ हरिकिशोर शाह की रिपोर्ट, R Sony News, दिल्ली।